गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 1B असाइनमेंट के लिए हमने पढ़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानने के बाद हम करते हैं अब कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा ऐड का, ऐड कैसे, दो फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं। दो फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का, 4। कब, जब डिनोमिनेटर क्या है, सेम। 9 + 7 क्या हो जाएगा, 16/4। मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, कब, तब दोनों के दोनों डिनोमिनेटर क्या है मेरे, सेम। यही अगर मेरे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, एक डिनोमिनेटर है 4, एक डिनोमिनेटर है 5, तो मैं एलसीएम लूंगी 4 और 5 का। 2 2 = 4 5 2 1 = 5 5 1 1 दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 2 = 4 4 5 = 20 20 आ गया एलसीएम। मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई क्या किया है मैंने, 4 में जो 20 आया 5, तो मैं ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 5। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 5 किया तो न्यूमिनेटर में भी 5। 3 5 = 15 प्लस 5 है डिनोमिनेटर, क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 20 आए 4 से, तो मैं न्यूमिनेटर में भी क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 4। 2 4 = 8 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर रहेगा 20, 8 9 10 11 12 13, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 23/20। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 1/2 + 4 1/3। ये हमारे कैसे फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको, कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। 3 1/2 का मतलब 3 + 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिया 2, 3 2 = 6 + 1, मतलब ये क्या है, 7/2। 4 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, मतलब क्या है ये, 4 + 1/3, 3 एलसीएम लिया, 4 3 = 12 + 1 क्या आ जाएगा, 13/3। मतलब मुझे ऐड किसको करना है, 7/2 + 13/3। 2 और 3 का एलसीएम लिया मैंने, 2 1 = 2 3 3 1 1 एलसीएम क्या आएगा, 3 2 = 6 2 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं, 6 आए 3, तो 7 के अंदर भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 3, 7 3 = 21 प्लस 3 के अंदर क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, किस 6 आया, मल्टीप्लाई किया 2, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, मतलब 26, मतलब क्या आ जाएगा हमारा, 47/6, ये है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन। जब मैंने देखा डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आएगा 3, 11 - 5 हम करके इसको लिख सकते हैं, 11 - 5 क्या होगा, 11 - 5 6/3, 6/3 मेरा एक फ्रैक्शन है, इसको जब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगी, 3 1 = 3 3 2 = 6 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2। नेक्स्ट है 7/8 - 3/4। अब की बार दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मैं पहले एलसीएम लूंगी 8 और 4 का, 2 4 = 8 2 = 4 2 2 = 4 1 2 1 1 2 2 = 4 4 2 = 8 दोनों का एलसीएम क्या आया, 8। 8 में तो मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, 8 आ गया, मतलब 7 - 4 में क्या मल्टीप्लाई किया है, 2, मतलब न्यूमिनेटर में भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 2, मतलब 6, मतलब 1/8 क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 1/2 - 3 2/3। ये किस में है हमारे, मिक्स्ड में। मिक्स्ड को मैं पहले चेंज करूंगी, 5 1/2 का मतलब है 5 + 1/2, 2 एलसीएम लिया मैंने, 5 2 = 10 + 1 मतलब 11/2। 3 2/3 का मीनिंग क्या है, 3 + 2/3, 3 एलसीएम, 3 3 = 9 + 2 मतलब 11/3। मतलब मुझे माइनस किन को करना है, 11/2 - 11/3 एलसीएम लिया मैंने, 2 और 3 एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि अलग अलग क्या है मेरे डिनोमिनेटर, 2 1 3 3 1 1 एलसीएम क्या आ गया मेरा, 6। 2 के अंदर क्या मल्टीप्लाई किया है मैंने, 3, तो न्यूमिनेटर में भी क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 3, 33 माइनस 3
क्या मल्टीप्लाई किया है मैंने, 2, मतलब न्यूमरेटर में भी क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 2, 11 टू जा 22, आंसर क्या आ गया 11/6। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 5/8, तीनों के डिनोमिनेटर क्या है मेरे, अलग अलग, तो मैं पहले एलसीएम ले लूं, 2, 4, 8, एलसीएम लिया मैंने 2, 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एलसीएम क्या आ गया मेरे पास 8, 2 में क्या मल्टीप्लाई किया है मैंने 4, 2 4 ज़ा 8, तो मैं न्यूमिनेटर में भी क्या मल्टीप्लाई करूंगी 4, 1 4 ज़ा 4, माइनस 4 में क्या मल्टीप्लाई किया है मैंने 2, मतलब मैं न्यूमिनेटर में भी क्या मल्टीप्लाई करूंगी 2, 1 2 ज़ा 2, प्लस 8 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, किया तो है 8 1 ज़ा 8, मतलब 5 1 ज़ा 5, आगे सॉल्व किया 8, 5, 9 माइनस 2, 5 एंड 4, 9 माइनस 2, मतलब 7/8, ये क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा, वो हमारा है मिक्स्ड में, मिक्स्ड को पहले मैं किस में बनाऊंगी, इम्प्रॉपर में, 22, 9/11, 22, 9/11 का मतलब 22 प्लस 9/11, 11 आया मेरा एलसीएम, 22 मल्टीप्लाई 11 किया तो क्या आ जाएगा मेरा 2, 242 प्लस 9, 11, 9 और 2, 11, 5 एंड 2, मतलब कि इसका मीनिंग क्या होगा 251/11, 8, 1/4, 8, 1/4 का मतलब 8 प्लस 1/4, एलसीएम लिया मैंने 4, थर्टी टू प्लस वन, थर्टी थ्री बाय फोर, टू वन बाय सिक्स, मतलब 6 एलसीएम, 12 प्लस 1, 13/6, मुझे सॉल्व क्या करना है, 251/11 माइनस 33/4 माइनस 13/6, अब मैं एलसीएम लूँ 11, 4 एंड 6 का, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है मेरे तीनों अलग अलग, एलसीएम लेती हूँ 11, 4, 6, 2, 11, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 2, 11, 1, 3, 3, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 11, 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12, 11 ज़ा 12, मल्टीप्लाई 12, 2, 3, 1, 132, 132 क्या आ गया मेरा एलसीएम, 11 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 132 आए, क्या मल्टीप्लाई किया मैंने 12, मतलब कि न्यूमरेटर में भी क्या मल्टीप्लाई होगा 12, 251 में मल्टीप्लाई किया मैंने 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5, 1, 5, 2, 2 1, 10 एंड 3, 3012 माइनस 4, में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 132 आए, 33 मल्टीप्लाई किया है, मतलब ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई होगा 33, डिनोमिनेटर में 33 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी 33 मल्टीप्लाई होगा, 33 मल्टीप्लाई 33, मीनिंग 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, मतलब क्या आ गया 1089, माइनस 6 में क्या मल्टीप्लाई किया कि 132 आया, क्या मल्टीप्लाई किया है 22, मतलब मैं न्यूमिनेटर में भी क्या मल्टीप्लाई करूँगी 22, 13 मल्टीप्लाई 22, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई 26, 6, 8, 2, मतलब 286, आगे सॉल्व किया 312 माइनस, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस किया तो ये आ गया 15, 1, 16, 17, 1, 3, 1, 1375, माइनस किया आपने 3012 में से 1375, 7,
1637 by 132, ये क्या है आपका आंसर। अब तक हमने पढ़ा है फ्रैक्शन में उसके टाइप, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद हमने पढ़ा था मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने इक्विवेलेंट फॉर्म। उसके बाद हमने दो नंबर के बीच में कंपेयर करना सीखा, कंपेयर लेस देन है ये, ग्रेटर देन है। उसके बाद हमने असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा। उसके बाद हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्शन सीखा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं।